हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज तारीख है 13 मई 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका आंसर है चीन। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। अगर आपको पता है तो वीडियो को यही रोककर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आंसर भी बता देते हैं। इसका आंसर है 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। धन्यवाद।